भी व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे वाक्य। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि वाक्य क्या होता है। तो वाक्य की यहाँ मैंने परिभाषा लिखी है, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को। यहाँ इस परिभाषा में इस शब्द का बहुत अच्छा महत्व है, सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, जैसे गमला। अब यहाँ इस सार्थक शब्द का मीनिंग देखते हैं कि किस तरह से, जैसे मैंने यहाँ लिखा गमला, ये है किताब, तो ये मैंने गमला लिखा तो आपको समझ आ रहा है कि मैं एक गमले की बात कर रही हूँ। यहाँ किताब यानी किताब जो पुस्तक होती है उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो ये एक सार्थक शब्द है। तो सार्थक शब्द क्यों लिखा जाता है, यानी शब्द तो ये भी हो सकता है, अगर मैं ये सारे वर्ण इसके अंदर भी है, ये ग भी लिखा, ला भी लिखा, मैं भी लिखा, लेकिन ये एक सार्थक शब्द नहीं है, ये निरर्थक शब्द है, ये निरर्थक शब्द है, ये सार्थक शब्द नहीं है। तो इसका मतलब कि ये एक वाक्य नहीं कहला सकता। ये वाक्य यानी शब्द जो है वो ये होता है, सार्थक शब्द ये होते हैं जिनसे कि हम वाक्य बना सकते हैं, इनसे वाक्य नहीं बन सकते। अब वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो वाक्य के अंग होते हैं दो, उद्देश्य और विधेय। यहाँ मैंने एक उदाहरण लिखा, मोहन खेलता है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि इसमें वाक्य के दो अंग कौन कौन से हैं। तो जो मोहन है ये है उद्देश्य, और खेलता है ये है विधेय, यानी ये वाक्य के दो अंग है, दो घटक है। उसके बाद बात आती है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है साधारण वाक्य। साधारण जैसा नाम से स्पष्ट होता है, सिंपल साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य जिसमें कि एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वो होता है साधारण वाक्य। जैसे मैंने यहाँ एक उदाहरण लिखा, राम पत्र लिखता है, तो इसमें उद्देश्य कौन सा होगा, इसमें उद्देश्य होता है राम, और विधेय पत्र लिखता है। तो ये वाक्य के रचना के आधार पर भेद में पहला पार्ट है साधारण वाक्य है। तो ये इसका उदाहरण था, राम पत्र लिखता है, यानी उसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है। उसके बाद हम इसका दूसरा भेद करेंगे, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की मैंने यह परिभाषा लिखी, जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो और सभी उपवाक्य प्रधान हो। तो किस तरह से, देखो, वह सुबह गया और शाम को आया, या शाम को वापिस आया। तो इसमें देखो, इसमें बताया कि वह सुबह गया और शाम को वापिस आया, दो बातें इसमें जुड़ी हुई है, जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो और सभी उपवाक्य प्रधान हो। तो दो ये उपवाक्य है और जुड़े हुए किससे हैं, और से। तो इसमें योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संयुक्त वाक्य में योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जब दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि योजक शब्द होते कौन से हैं, और तथा, पर, अथवा। तो इस तरह के शब्द जो हैं वो संयुक्त वाक्य के उदाहरण बनाते टाइम लिखे जाते हैं, जैसे कि परंतु, बल्कि, इन शब्दों का संयुक्त वाक्य में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसका तीसरा भेद आएगा, मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य की परिभाषा क्या होती है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, प्रधान मुख्य, एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। देखो इसकी परिभाषा आप दोबारा ध्यान से पढ़ोगे, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। तो यहाँ मैंने उदाहरण क्या लिखा, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ उदाहरण है आपका,
यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो इसमें एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है जो आपको उदाहरण दिया हुआ है? तो इसमें ये आपका प्रधान उपवाक्य है और ये जो इसने आश्रित उपवाक्य कहे, यदि वर्षा होती, ये आश्रित उपवाक्य है तो फसल कैसी होती? तो फसल अच्छी होती, तो ये आपका प्रधान उपवाक्य है। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो इसका अगला पार्ट जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आपको इसको अच्छे से समझना है और याद करना है। थैंक यू।